अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी जंग न्यूज और मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जमील जैदी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बुन की जेर सदारत बिजली के बिलों के एहतजाज से मुतालिक डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अंजुमन ताजरान पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, अंजुमन अठेतियां, ड्रग एसोसिएशन, राइस एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन, अमर कमेटी के मेंबरान, वाबडा के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर आमना एहसान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बुन ने कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने से हमारे मुल्क का नुकसान है। उन्होंने कहा कि अपनी सतह पर लोगों की रहनुमाई करें ताकि सरकारी इमलाक को नुकसान से बचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बिजली के बिल में मसाइल हैं जो लोकल सतह पर हल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वाबडा के ऑफिस में काउंटर कायम कर दिया गया है जिस पर आपके मसाइल लोकल सतह पर हल होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इस मसले को देख रहे हैं, जो भी मुल्की सतह पर फैसला होंगे इस अमल पर अमल दरामद किया जाएगा। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी जंग न्यूज।